यहाँ पर कोटा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अंदर एमआरआई रूम के अंदर एक कोबरा सांप कल देखने को मिला और इसी के चलते हुए मरीजों के अंदर दहशत का माहौल देखने को मिला था। हालांकि आप सभी को बता दें इस बीच इसे पकड़ तो लिया गया लेकिन मरीज की ही नजर उस कोबरा सांप के ऊपर पड़ी थी और इसी के चलते हुए उसने प्रशासन को सूचित किया और प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई को अंजाम भी दिया है। साथ ही सांप पकड़ने वाले व्यक्ति को बुलाया और उसे तुरंत प्रभाव से पकड़ लिया गया। क्या कुछ इसके अंतर्गत रिपोर्ट सामने आई है, कैसे दहशत का माहौल देखने को मिला है, सीधा इस रिपोर्ट से लोग कोटा शहर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बुधवार सुबह एमआरआई रूम में कोबरा प्रजाति का एक 4 फीट लंबा कोबरा सांप घुसाया। एमआरआई करवाने आए रोगी की निगाह पड़ने पर वह तुरंत उठ करके भागा। वह चिकित्सा कर्मियों को इसकी जानकारी भी दी है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टर ने इस घटना की जानकारी पर्यावरण प्रेमी व स्नेक कैचर गोविंद शर्मा को दी। जानकारी मिलने के बाद में शर्मा तुरंत घटनास्थल पर पहुँच करके देखने पहुँचे और 4 फीट लंबा कोबरा एमआरआई रूम के डस्टबिन के पीछे छुपा हुआ था। गोविंद शर्मा ने इसे पकड़ करके रेंजर भवानी सिंह जादौन की अनुमति से जंगल में छोड़ा और स्नेक कैचर शर्मा ने बताया कि एमआरआई रूम के बाहर बड़ी संख्या में भीड़ लगी थी, वह कोबरा किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता था। मेडिकल कॉलेज में कोबरा प्रजाति का सांप पकड़ा जिसकी 4 फीट से ऊपर लंबाई थी और वो डस्टबिन के पीछे बैठा हुआ था जहाँ पे एमआरआई होती है और वहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई देखी गई। मैंने वहाँ जाके देखा तो वाकई में काफ़ी भीड़ थी और मैंने उस कोबरा को पकड़ा और तुरंत मैंने भवानी सिंह जादौन जी को सूचना दे के उसको तुरंत जंगल में रवानगी दी है। और ये अभी मैं धार्मिक स्थान पर खड़ा हूँ, मंदिर एरिया है और चंबल के किनारे में उसको छोड़ के आया हूँ ताकि ठंडाई इलाके में रहें और पानी की कोई कमी नहीं आए कोबरा प्रजाति को, क्योंकि कोबरा गर्मी के हिट के मारे मर जाते हैं। फिलहाल देश में तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।